सबसे पहले आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पे हमारा जमा होने का मकसद जो अभी रिसेंट में आप सबको देखने आया है कि जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है हमारे कर्नाटका स्टेट की दिशा रवि, वो उनको एक सेडिशन केस में अरेस्ट किया जा गया है। तो उसी के बारे में हम अवेयरनेस करने एक प्लेकार्ड डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मुस्लिम चौक पर रखे हैं। तो ये एक जब इशू में हम देखते हैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को एक सेडिशन का चार्ज, जो गद्दारी का चार्ज बोलते हैं, एक देश के खिलाफ गद्दारी करने का एक इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। तो हम जब ये इशू के बारे में देखते हैं, हम इशू क्या है बोले तो एक टूल किट में वो एक दो लाइन एडिट करने की वजह से उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है। ये चार्ज ऐसे लोगों पे लगाते हैं कि वो देश की इंफॉर्मेशन जो लीक करते हैं या फिर देश के खिलाफ कोई काम करते हैं ये, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चार्ज इन लोगों पे लगाया जा रहा है कि जो देश के हित में काम कर रहे हैं। देश के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो हमारे इंडिया को एक बेटर इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे सेडिशन के चार्ज लगाए जा रहे हैं। तो उनकी गलती क्या बोल तो मेन फार्मर की जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनके सपोर्ट में है तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये चार्ज लगाए हैं। तो हमारा ये जो देख रहे हैं हम, ये पहली बार नहीं है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे हम टाइम में देखेंगे कि ऐसे चार्जेस बहुत जगह लगे हुए हैं। हमारे रिसेंट में जो बिदर हमारा डिस्ट्रिक्ट है इधर, उस पर भी एक स्कूल पे चार्ज लगाया जाता है कि सेडिशन का, ताकि क्योंकि वो एक प्ले करते हैं CAA के खिलाफ, इस बात पर उन्हें देश का गद्दार बोला जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े एक अर्नब गेट जैसा एक मामला हमारे सामने आया देश में, जो इतना सीरियस इशू है, उस चीज़ में सेडिशन हमें देखने नहीं आता है। तो एक हम ये सब चीज़ों जब हम देखते हैं तो हमारा एक फ्यूचर दिखता है हमें, जो एक इंडिया को जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसे तानाशाही के खिलाफ लेकर जा रहे हैं, जो एक हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको कब बोले जब तार तार किया जा रहा है। जबकि ऐसे एक बहुत बड़े बड़े इशूज़ होते हैं जो देश के खिलाफ रहते हैं, वो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट होने के बाद वो जो असली इशू है उनके ऊपर काम नहीं करते, उनको मिलते हैं स्टूडेंट्स हरास करने के लिए जो देश के हित में काम कर रहे हैं। फैसिज्म का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जब ही जाकर हमारा फ्यूचर एक सेफ रहेगा। मैं शेख जईम, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज यहाँ हमारा जमा होने का मकसद हमारा एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट है, जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट रवि, दिशा रवि को जो है रातों रात दिल्ली पुलिस आकर उनके घर पे से उनको अरेस्ट करती है बगैर कोई उनको इंटीमेशन दिए के। उनकी जैसा अब हम सब जानते हैं कि उनकी एक एक्टिविस्ट जो शुरू से फार्मर के लिए काम कर रही है, जो शुरू से फार्मर्स के सपोर्ट में काम कर रही है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको टारगेट कर उसके जो है उसके ऊपर इल्लीगल केस जो है डाला जाता है, उसको जो है बेंगलुरु से रातों रात जो है दिल्ली के लिए ले जाया जाता है। इसी अगर उसका कसूर देखा गया तो उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक फार्मर्स के लिए सपोर्ट कर रही थी, फार्मर का एक टूल किट जो है ग्रेटा थनबर्ग जो है उनका ट्विटर पे रखती है, सिर्फ इसी एक छोटे से वजह से उन पर जो है देशद्रोही का कानून लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हम ये डिमांड करते हैं, हम इस पर एक्ट को जो है पहले कंडम करते हैं, हम इस अरेस्ट को कंडम करते हैं और हम डिमांड यही करते हैं कि जल्द से जल्द क्लाइमेट एक्टिविस्ट को रिहा किया जाए और उनके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को जल्द अज जल्द निकाला जाए। मैं मोहम्मद रकीब खिजर, वाइस प्रेसिडेंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, गुलबर्गा।